और वही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुबह पर बने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है, जो कि उनके घर के पास है। कुछ देर में वित्त मंत्रालय जाएंगे जहां एक बैठक होगी, वहां से फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ, वहां से सांसद भवन जाएंगे जहां 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो कोरोना के बाद मोदी सरकार का यह पहला बजट आने वाला है। आज 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। हम इसमें मौजूद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर के ठीक बाहर, और यहाँ पर अनुराग ठाकुर सुबह सुबह उठे हैं। उठने के बाद उन्होंने नहाने धोने के बाद में पूजा पाठ की है, हनुमान मंदिर बनवा रखा कोठी में, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। कुछ ही देर में यहाँ से निकल करके वो जाएंगे सीधे वित्त मंत्रालय, जहाँ पर कि वित्त मंत्रालय की एक बैठक होगी। वहाँ से फिर बजट की प्रति लेकर के निर्मला सीतारमण के साथ अनुराग ठाकुर भी जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वहाँ जा करके राष्ट्रपति जी को पहली बजट की प्रति देंगे। उसके बाद सीधे पहुंचेंगे पार्लियामेंट और वहां पर 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अनुराग ठाकुर भी साथ होंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और वही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय जाने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी संजय सिंह ने इसका जायजा लिया, देखिए। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने घर से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी में, और यहां से सीधे जा रहे हैं वित्त मंत्रालय, जहां पर की बैठक होगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। आप देख सकते हैं हमारी फ्रेम में अनुराग ठाकुर हैं और ये जा रहे हैं सीधे वित्त मंत्रालय, और वहां से फिर जाएंगे वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन, और वहां से पहुंचेंगे सीधे संसद भवन, और वहां पर 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह, तो लगातार हमने आपको दिखाया किस तरीके से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो वित्त मंत्रालय के लिए निकल चुके हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, और फिर बजट पेश करने का जो प्रस्ताव है पारित होगा, और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। खासतौर पर इस बात हर वर्ग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में युवाओं को रोजगार मिल चुके, छोटे मोटे जो उद्योगपति आकर उनको किस तरीके से फायदा हो, और जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स लैब में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस पर भी लगातार संशय बना हुआ है, बरकरार है कि आखिर आज जो बजट पेश किया जाएगा तो क्या हर एक विभाग को सही तरीके से तोल मतोल कर अगर यहां पर जो बजट है वो है वो पेश किया जाएगा, तो आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्था हमारी गिरती हुई दिखाई दे रही थी कहीं ना कहीं उसे बूस्टअप किया जाएगा और आने वाले वक्त में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स लैब में क्या बदलाव होंगे, ये एक बड़ा संशय जो है वो बना हुआ है, और 80C के तहत क्या छूट की लिमिट बढ़ेगी तमाम चीजों में, होम लोन की अगर हम बात करें, या फिर बात करें किसानों को क्या आज कोई लाभ मिलेगा, यानी किसानों के लिए क्या कोई अहम बजट पेश यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ लगातार आंदोलन जारी है, तो क्या सरकार की तरफ से इस मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा, तो कई सारे सवाल हैं लगातार, उस पर भी हम बात करेंगे। तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि आज बजट जो है वो पेश किया जा रहा है तो आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से विकास की ओर बढ़ेगी। लगातार तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो वित्त मंत्रालय के लिए अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। जैसा कि लगातार हमने ये भी जिक्र किया कि मंत्री मंडल की बैठक होगी और बैठक के बाद ही 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो इस बजट को पेश करेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, आज सबको बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से कि आखिर जब ये बजट आएगा तो आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी ही नहीं जबकि तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, उम्मीदें हैं तमाम सेक्टर्स को, तमाम लोगों को, चाहे हम वो किसानों की बात करें, चाहे हम व्यापारियों की बात करें, चाहे उन युवाओं की जो रोजगार के लिए नए नए रास्ते जो नए रोजगार की तलाश में, ऐसे तमाम लोगों को उम्मीदें हैं कि आखिर सरकार का ये बजट, सरकार के इस बजट के इस पिटारे में आज क्या होगा। हालांकि इस बजट को लेकर बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण की विभिन्न अधिकारियों के साथ बजट को लेकर के एक चर्चा इस वक्त चल रही है। अब से कुछ देर के बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उसके बाद मंत्रियों के साथ भी आज चर्चा, और उसके
बाद 11 बजे का समय है जब ये बजट पेश किया जाएगा। आज के इस बजट की बात की जाए तो अलग अलग महीनों में कहीं ना कहीं ये बजट लोगों को इंतजार है। सबसे ज्यादा तो जब ये बजट पेश हो रहा है तो जो बीता वर्ष था, जो वित्त वर्ष था, उस 2020-21 उस वित्त वर्ष की अगर बात करें तो एक बड़ी चुनौतियों के साथ निकला था। उस वित्त वर्ष में अगर बात करें तो कोरोना काल रहा था, लॉकडाउन रहा, उसके बाद अनलॉक की परिस्थितियां देखी, कुल मिला के आज तक वो परिस्थितियां सही से नहीं सुधरी है। क्योंकि आज भी बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर है, चाहे हम एमएनसी की बात करें, बीपीओ की बात करें, जो पूरी तरीके से नहीं खुला है, कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसमें अलग अलग सेक्टर्स पर असर पड़ा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर फर्क पड़ा है। तमाम अलग अलग सेक्टर्स की अगर देखी जाए तो जीडीपी लगातार एक बड़ा नुकसान रहा था, हालांकि कृषि में जरूर कुछ फायदा रहा। तो ऐसे में तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस बार का जो बजट है 2021-22 का जो बजट है, एक राहतपूर बजट हो, इसको लेकर के तमाम व्यापारी वर्ग की उम्मीदें हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें हैं, तमाम पूरे देश की उम्मीदें हैं। लेकिन एक बात जरूर कही गई थी इस बजट को लेकर के, अगर हम बात करें सरकार की तरफ से बार बार कहा गया, खुद निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ये बजट आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला ये बजट होगा। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में हम इसे बात करें कि जिस तरीके से, किस तरीके से स्वरोजगार के अवसर जो है वो उत्पन्न हो सके, किस तरीके से उसके अंदर रियायत दी जा सके, ऐसी तमाम बातों का ध्यान जरूर इस बजट के अंदर जरूर रखा जाएगा। कृषि को लेकर के कहीं ना कहीं चाहे ई इलेक्ट्रॉनिक बेस पर किस तरीके से कृषि की ई इलेक्ट्रिक मार्केट जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पूरे और देश भर में राष्ट्र स्तर पर जो किसान जो है अपनी फसल को जो है बेच सके, इसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के और स्कीम और राहत भी दे सकती है इस बजट के अंदर, के किस तरीके से ई इलेक्ट्रिक बेस पर जो इसकी मार्केट है वो कैसे उसका बढ़ावा मिले और कैसे उसके अंदर छूट मिले किसानों को, तमाम इन बातों को लेकर के ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा का अगर बात करें क्षेत्र में भी इस बार बड़ी एक चुनौती रही है, क्योंकि स्कूल अगर बात करें लगभग ये पूरा सत्र ऐसा रहा है एक साल की स्कूल बंद रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि एग्जाम के बाद जब नतीजे आए और हमने ये देखा था कि 20 मार्च से जो है लॉकडाउन की शुरुआत, पहले 20 मार्च को पहला एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद 25 तारीख से ये पूरा एक लॉकडाउन शुरू हो गया था, और फिर उसके बाद आज तक की परिस्थितियां ऐसी है कि स्कूल जो अक्सर जो है 1 अप्रैल से खुला करते थे, नए सेशन के जो खुला करते थे वो अभी तक नहीं खुल सके। अब हालांकि 9वीं से 12वीं और उसके बाद 6ठी से 8वीं भी खुलने जा रहे हैं। तो बात करें ये तमाम परिस्थितियां अलग अलग सेक्टर के सामने एक बड़ी चुनौती रही थी। ऐसे में तमाम इन उलझनों के बीच, तमाम इन चुनौतियों के बीच, तमाम इन अड़चनों के बाद अब सरकार बजट पेश कर रही है वित्त वर्ष 2021-22 का, जिसको लेकर के काफी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें सरकार भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पेशकश सामने रखना चाहती है। सरकार ने जिस तरीके से तमाम विभिन्न वर्गों के साथ चर्चा भी करी इस बजट से पहले, चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, कृषि विशेषज्ञ जो है उनसे बात की गई, तमाम लोगों को। लेकिन एक बात बार बार इस बजट में रखी गई है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला ये बजट होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और हमने सुना भी किस तरीके से यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर इस बार का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें खासतौर पर विशेष वर्ग को लेकर, यानी किसानों को लेकर अगर हम बात करें, तो आखिर किसान किस तरीके से जब तमाम बॉर्डर्स पर विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बाद जब लगातार कई यहाँ पर किरकिरी जो है वो सरकार की होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उनको भी एक उम्मीद है कि आज के इस बजट में कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, किसानों को राहत मिलेगी, हालांकि कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान तो जरूर आएंगे, लेकिन इसको लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, सरकार का कहना है कि प्रयास किए गए हैं। इस बजट पर जब चर्चा की गई थी तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनका कहना है कि सरकार ने विचार करा, बाकायदा उसको लेकर के प्लानिंग रखी गई है कि कैसे किसानों को फायदा हो सके, इसमें एमएसपी की बात को लेकर के किस तरीके से फायदा हो सके, इसको लेकर सरकार की क्या सोच है, किस तरीके की रियायत दी जा सकती है। हम ई इलेक्ट्रिक मार्केट की बात कर रहे हैं कि इसको मंडी जो है किस तरीके से ऑनलाइन खरीद को लेकर के किस तरीके से बढ़ावा मिले, इस पर कैसे सरकार अपना बजट बढ़ाए, किस तरीके से किसानों को इस पर राहत भी मिले, कैसे किसान इससे जुड़े, पूरे राष्ट्र के किसान, पूरे देश के किसान जो है राष्ट्रीय स्तर पर ई इलेक्ट्रिक मंडी को से जुड़े, ऐसी तमाम बातों को भी जरूर इसके अंदर ध्यान दिया जा रहा है। जो सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उन तक जो संदेश पहुंचे, ये सरकार का उद्देश्य जरूर है कि आज का जब ये बजट है, जब ये बजट पेश हो तो कृषि को लेकर के सब्जेक्ट, हालांकि इसके अंदर जोड़े तमाम बिंदु जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट में सामने कहीं ना कहीं कृषि और आत्मनिर्भर भारत का जो सब्जेक्ट है सामने रखा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत इसलिए कि आज रोजगार के अवसर एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ठीक है, बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, और लगातार एक तरफ हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख किस तरीके से निर्मला सीतारमण
जो है वो संसद भवन पहुंच चुकी है। और जैसा कि लगातार हम ये जिक्र कर रहे थे कि फिलहाल मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसमें बाद ये बजट जो है वो खुद निर्मला सीतारमण पेश करेंगे जो कि वित्त मंत्री हैं। और सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया जाएगा, किस तरीके से रोजगार के नए आयाम यहां पर बनाए जाएंगे, किस तरीके से तमाम वो किसान जो लगातार आज परेशान है उनके लिए राहत भरी खबर क्या हो सकती है, टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसी के साथ साथ पीएफ और एलटीसी पर क्या छूट मिल सकती है, इस पर भी लगातार संशय बरकरार है। लेकिन 11 बजे के बाद एक एक कर जो तमाम तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं वो स्पष्ट होगी और यह साफ तौर पर समझ में आएगा कि आखिर इस बार का बजट किन किन विशेष वर्गों को देखकर, कौन कौन से विभाग को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये फिलहाल लगातार कवरेज जारी है, इंडिया न्यूज हरियाणा पर लगातार बनी रही है क्योंकि देखिए तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर एक तस्वीर, और आखिर आज बजट में क्या खास है जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। किसानों के लिए इस बार क्या नए ऐलान हो सकते हैं क्योंकि विशेष रूप से इस बार किसानों वर्गों पर भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। तो एमएनसी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किस तरीके से और मजबूत किया जाए उसके लिए क्या कुछ बजट पेश किया जा सकता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया को किस तरीके से बढ़ोतरी दी जा रही है इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है।